हम सब लोगों को साइंस फिक्शन मूवीज या सीरीज देखना काफी ज्यादा पसंद है, तो आज हम इस वीडियो में साइंस फिक्शन सीरीज के बारे में बात करेंगे जो आपको ले जाएंगे साइंस फिक्शन की दुनिया में। तो चलो देखते हैं इन सीरीज के बारे में। नंबर 5, द साइलेंट सी। यह एक साउथ कोरियन साईफाई सीरीज है। कहानी हमें उस टाइम की देखने की मिलती जब धरती से सारा पानी खत्म हो चुका है, लोगों को पानी बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। तब साउथ कोरिया एक मिशन लॉन्च करता है मून पे जाके सैंपल कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहां जाने पर साइंटिस्टों के साथ बहुत भयानक अनहोनी हो जाती है। आगे की स्टोरी आप सीरीज देखकर जानो। ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाए। नंबर 4, इनटू द नाइट। यह एक साईफाई सीरीज है। कहानी हमें एक एरोप्लेन की देखने को मिलती है जिसे एक अनजान व्यक्ति हाईजैक कर लेता है। फिर वो व्यक्ति बोलता है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा वरना कल का सूरज कोई नहीं देख पाएगा। उसका कहना ये होता है, कल सुबह जैसे सब लोग सूरज देखेंगे वैसे ही सारे लोग मारे जाएंगे। आखिर उन सब लोगों के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें आप सीरीज देख कर जानो। नंबर 3, आर्काइव 81। यह एक हॉरर साईफाई सीरीज है। कहानी एक लड़की की दिखाई गई जो पुराने से पुराने टेप को फिर से रिकवर कर सकता है। फिर उसे एक सीक्रेट कंपनी से ऑफर मिलता है जिसे कुछ टेपों को रिकवर करना होता है। उसके बदले उसे अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो उन टेपों को रिकवर करता है उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। आगे की स्टोरी आपको सीरीज देखकर जानना चाहिए। ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2, लॉस्ट इन स्पेस। यह एक साईफाई सीरीज है। अगर आपको स्पेस जर्नी और उस टाइम होने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानना है तो ये सीरीज आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और सारे सीजन को हिंदी में डब्ड करके नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है। नंबर 1, अल्टर्ड कार्बन। यह एक साईफाई एडवेंचर सीरीज है। ऐसा फ्यूचर आपने शायद ही किसी मूवी या सीरीज में देखा होगा। कहानी में एक कैदी की दिखाई जिसे 250 वर्ष बाद फिर से जीवित किया जाता है। फिर आगे क्या होता है, ये सारी चीजें आप सीरीज देखकर जानें। ये सीरीज आपको हिंदी लैंग्वेज और नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी।